दोस्तों चिंता मुक्त होना है आपको, या आपको कोई ना कोई परेशानी खाए जाती है, आपको उससे अच्छे तरीके से सोल्यूशन लेना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो आपकी लाइफ का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद मैं आपको गारंटी दे करके लिख करके बोल दूंगा कि आप किसी भी चीज का तनाव या चिंता अपने माइंड में नहीं लेंगे, क्योंकि आज आपको सही कारण पता लगेगा कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी चीज की चिंता क्यों चलती रहती है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से आ गया हूं अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। आज आपको कुछ 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी चिंता को बिल्कुल मुक्त कर देंगे, और ये चिंता पढ़ाई की हो, सैलरी की हो, काम की हो, बिजनेस की हो, या घर परिवार की हो, ये सारी चिंता सिर्फ इस एक वीडियो से खत्म होने जा रही है। और मुबारक हो आप लोगों को कि ये आपका लास्ट वीडियो होगा किसी भी चिंता को लेने से पहले। सो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये कुछ वीडियो हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपने काफ़ी ऐसे मोटिवेटर्स, काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स देखे होंगे जो आपको मोटिवेशन की काफ़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसका असर आपकी लाइफ में सिर्फ एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता। एक्चुअली आज की डेट में मोटिवेटर्स या जो भी वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, किसी भी चीज़ की आपकी लाइफ में होने ना हो होने का बेसिकली कारण नहीं बता पाते हैं। तो आज आपको उसी के साथ मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ, और एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी चिंता को आज से खत्म कर देंगे। सो दोस्तों बात है गौतम बुद्ध। क्या आप जानते हो गौतम बुद्ध भगवान को? उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सिंपल सिद्धांत लोगों तक प्रकाशित किए थे या भेजे थे कि लाइफ में चिंता किस तरीके से आपकी लाइफ को डैमेज करती है। तो एक बार की बात है, एक इंसान अपने बच्चे को या अपने बेटे को, जो कि 15 से 16 साल का उनका बेटा होगा, उसको गौतम बुद्ध जी के पास लेके जाते हैं। अब उस इंसान की, जिसका बेटा था, परेशानी ये थी कि उसका बेटा 15 से 16 साल की उम्र के बीच का बच्चा था, बहुत अत्यंत कमजोर था, आंखों का चश्मा बहुत ज्यादा हाई था, मतलब दिख नहीं पाता था, उसके बच्चे के बाल वाइट थे, और वो उसकी फेस देख करके फील हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता था अपने बच्चों को लेकर के, और वो चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से इसको मैं सही कर सकूं और ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके, बड़ा कर सके। तो किसी ने उसको सजेशन दिया कि आपको गौतम बुद्ध जी के पास जाना चाहिए, वो आपको इसका सही सोल्यूशन देंगे, और बहुत सही सोल्यूशन देंगे। तो अब इसके बाद वो निर्णय कर लेते हैं कि चलते हैं गौतम बुद्ध भगवान के पास, जहां पे मुझे इस चीज का सलूशन बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। अब वो जा करके गौतम बुद्ध से बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि इसके बाल सफेद हैं, ये बहुत कमजोर है, इसके फेस पे 1% की भी चमक नहीं है। और उस बच्चे को देख करके गौतम बुद्ध खुद बोलते हैं कि ये तनावग्रस्त है, और इसका तनाव आपके ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो वो बोलते हैं, प्रभु मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इसका तनाव खत्म हो जाए और इसकी लाइफ में आगे बढ़ने की आशंकाएं काफी बढ़ जाए। तो वो अब कुछ ऐसी चीजें बताते हैं उसको जो कि आपको भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले बताया कि इसका जो भी रीजन है, वो रीजन सिर्फ ये है कि ये बच्चा तनाव लेता है, चिंता करता है और परेशान रहता है। अब वो बोलते हैं कि आप या तो उसको कोई मेडिसिन दे दो, या कोई दवाई या कुछ ऐसा इलाज कर दो जिससे ये चिंता ना करे। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि चिंता करना या करवाना किसी के हाथ में नहीं होता, ये खुद इंसान किसी ना किसी चीजों को लेकर के अपने आप में एक ऐसी अवधारणाएं बना लेता है जो कि एक चिंता का रूप ले लेती है, और इसके कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये चिंता आपके मन पे इतनी हावी हो जाती है, जो कि उसके बाद फिजिकली आपको इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों अब आपको इस कहानी में अभी तक यहाँ पे ये समझना है कि किस तरीके से इंसान जब भी किसी भी कार्य को करता है, सोचता है, समझता है, तो वो अपने मन में काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, और अपनी सोच को इतना बड़ा कर लेता है कि वो
रहता तो प्रेजेंट में है लेकिन उसका पूरा का पूरा दिमाग फ्यूचर में चलता है कि मैं आज ये नहीं करूंगा तो कल वो नहीं हो पाएगा, आज मैंने ऐसा नहीं किया तो कल वैसा नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस चिंता और चिंता के बीच में घूमता रहता है और एट द एंड ऐसा समय आ जाता है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता और वो एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उस पिता को सबसे पहले यही चीज समझाई कि आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि चिंता और तनाव बनता क्यों है, रीजन क्या है इसका सबसे बड़ा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, ना कि ये कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी वैद्य के पास जाते हैं वो सबसे पहले आपकी नब्ज पकड़ के देखता है कि क्या परेशानी है। अगर उसको नब्ज में समझ में नहीं आता कि ये परेशानी है या नहीं है, फिर वो आपकी रिपोर्ट्स या टेस्ट करवाता है जिसकी रिपोर्ट के आधार पे वो आपके शरीर की जांच करके बताता है कि आपको ये परेशानी है। अब जब उस पिता को तनाव का रीजन पता ही नहीं था और उसको परेशानी ये थी कि बस ये ठीक हो जाए, तो बुद्ध ने उनको यही बोला कि सबसे पहले आप इन चीजों को समझो कि होती क्या चीज है, तनाव है क्या, चिंता है क्या, क्यों कोई इंसान अपनी लाइफ में इतनी चिंता करने लग जाता है बिना किसी वजह के। और वो 7 कारण कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आपको भी अपनी लाइफ से रिलेट करके देखना होगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में ये 7 कारण आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है अधिक महत्वाकांक्षी होना। जब आपकी लाइफ चलती है बहुत बढ़िया, आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं जो कि आप अपनी लाइफ की हर फेज पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। आज आपका पहला गोल होगा कि मैं एक अच्छे स्कूल से पास कर लूं, फिर आपका गोल होता है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊं, फिर आपका गोल होता है कि मैं एक अच्छे कॉलेज के साथ कुछ अच्छा कोर्स कर लूं, उसके बाद मेरा गोल होता है कि मैं एक अच्छी नौकरी ले लूं, फिर मैं एक अच्छी जगह शादी कर लूं, फिर मेरे पास अच्छा पैसा हो। तो ये महत्वाकांक्षा स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है। अब ये जब महत्वाकांक्षा आपकी लाइफ में बढ़ती है, आप नाम इसको देते हो लक्ष्य का, टारगेट का, लेकिन वो एक प्रकार से महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। अब इसी बात को सुनते हुए उस बच्चे ने यही चीज बोली गौतम बुद्ध को कि उस हिसाब से तो हमें अपनी लाइफ के टारगेट ही नहीं बनाने चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कोई टारगेट डिसाइड ही नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का इस पे आंसर होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आप इस चीज को समझिए कि आपने अपनी लाइफ के स्टेप बाय स्टेप टारगेट बनाए, टारगेट तो बन गए, बहुत अच्छे बन गए, लेकिन अब उस टारगेट का आप हर टारगेट का एक कॉन्सिक्वेंस दिमाग में रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपका दिमाग उस लक्ष्य से ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट पे हो जाता है, जिसके कारणवश आप अपनी लाइफ में उस महत्वाकांक्षा या लक्ष्य को पीछा करने की बजाय उसके रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस को देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप परेशान होने लग जाते हैं। कभी आपने एक एग्जाम, गौतम बुद्ध ने बताया, कभी आप किसी परीक्षा में बैठे होंगे, आपको 2 घंटे या 3 घंटे का समय पूरा मिलता है अपने एग्जाम को लिखने का। अब क्या होता है कि आप पहले 1 घंटा तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटा भी आपकी रफ्तार बढ़ जाती है, 3 घंटा जब होता है और जब लास्ट के 10 से 15 मिनट बचते हैं तो उस समय आपके माइंड में ये आता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, मुझे वो हो जाएगी, आपके माइंड में लाखों चीजें गूंजना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के साथ गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि महत्वाकांक्षी बनो, टारगेट भी रखो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस की ज्यादा चिंता मत करो जिससे कि आपकी लाइफ को इंपैक्ट हो। दूसरा पॉइंट गौतम बुद्ध ने बताया कि किसी के साथ कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में आप किसी भी अपने लेवल के स्टेज पे हो तो उस समय आप अपने ही बगल के इंसान को देखोगे कि वो आपसे 5 स्टेप ऊपर है। अब उस केस में आप उससे ईर्ष्या करना स्टार्ट कर दोगे, जेलसी क्रिएट हो जाएगी कि उसके पास तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो आप उसके साथ बिहेव गलत करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसकी ईर्ष्या आपके लिए नेगेटिव इसलिए बनती चली जाएगी क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ उसके 5वें स्टेप पे पहुंचने का है। आप अपना स्टेप भूल गए कि आप क्यों यहां पे हो, क्या रीजन है, आप क्यों नहीं बढ़ पाए,
तो ईर्ष्या किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेलेसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आरुषिपूर्ण काम ना करना। अब आप एक सिंपल सा ध्यान रखिए कि आपके पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई आपको पायलट बनना है या आपको एयरफोर्स में जाना है, लेकिन आप पायलट तो पायलट की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, सब चीज कर, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है। आप फोटो बहुत अच्छी खींचते हो, अब उस केस में आप पायलट भी बन जाओगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाओगे और आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर दोगे, जिससे कि आरुषिपूर्ण काम अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। तो आपको काम वही करना चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप बहुत अच्छा तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आरुषिपूर्ण काम नहीं करते तो हमारा इंटरेस्ट भी उसी तरीके से उस काम में चलता है। अगर सचिन तेंदुलकर से बोला जाता कि भाई आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन अब आप बॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर बहुत एग्जाम मतलब वो बॉलिंग नहीं कर पाते। अब कुछ समय पहले आपने ध्यान दिया होगा कि एक समय ऐसा था जब सचिन तेंदुलकर को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया था। अब उस केस में ये हुआ कि सचिन तेंदुलकर अपना रिकॉर्ड या अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि मुझे अपनी कैप्टेंसी अच्छी करनी है। यही सेम एग्जांपल विराट कोहली के साथ भी हुआ। वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जब उनके ऊपर कैप्टेंसी का प्रेशर आने लग गया तो वो अपनी परफॉर्मेंस को नहीं हैंडल कर पाए और उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी। अब यही तीसरा एग्जांपल, महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे कैप्टन है और वो बहुत अच्छे तरीके से टीम को लीड करते हैं। हो सकता है कि उनकी बैटिंग अच्छी ना हो, उनकी बॉलिंग अच्छी ना हो, लेकिन उनकी कीपरिंग बहुत अच्छी है, और अगर कीपरिंग भी अच्छी नहीं है तो उनकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी है। तो उस कैप्टेंसी में अगर वो कीपरिंग में खराब करते हैं या बैटिंग में खराब करते हैं, लेकिन अगर वो लीडरशिप अच्छे अपनी अच्छी लीडरशिप दिखाते हैं तो उस केस में वो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, क्योंकि वो उनका आरुषिपूर्ण काम है। फोर्थ पॉइंट आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि किसी से भी कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर किसी से अपेक्षा रख ली, किसी से कोई इच्छा कर ली, तो उस केस में आपकी अपेक्षा तो टूटेगी, आपकी इच्छा तो टूटेगी, वो इंसान अगर आपके लिए नहीं उतर पाया तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी किसी से कोई भी अपेक्षा मत रखो, कोई भी इच्छा मत करो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उस आदमी को यही बताया कि अगर आप यहाँ पे मेरे पास इनको लेके आए हो तो उसका रीजन ये है कि आपकी इनसे अपेक्षा है, आपकी इनसे इच्छा है कि ये ठीक हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए और उसके बाद अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा काम करें और आपके लिए आपका बुढ़ापे का सहारा बन जाए, जो कि किसी से अपेक्षा। और अगर इस अपेक्षा में वो उनके साथ नहीं हो पा रहे तो आपको दुख हो रहा है, अगर आपने इनसे इच्छा नहीं रखी होती तो शायद आपको इतना दुख नहीं होता। तो उस केस में उस आदमी ने ये बोला कि मैं इस बच्चे का बाप भी हूं, तो उन्होंने बोला अगर आप बाप हो तो उसी तरीके से आप इसको हैंडल भी करो, तो किसी से अपेक्षा रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक राजा था और उसको पूरी रात भर एक घुड़सवारी करनी थी, एक देश से दूसरे देश में जाना था, और उसके साथ परेशानी ये थी कि 2 से 4 बजे के बीच में उसको नींद आती ही आती थी। उसने अपने बहुत अच्छे प्रधान को बुलाया और उसको बोला कि यार मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन दो जिससे कि मैं इस देश से दूसरे देश में पहुंच जाऊं और पूरी रात मैं चलता चलूं लेकिन मुझे नींद ना आए। तो उस केस में उस प्रधान ने क्या किया अपनी तलवार निकाली और उनकी उंगली पे बहुत लंबा कट लगा दिया, जिससे उनको बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। अब उन्होंने बोला आप घुड़सवारी करो, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि अगर आपके शरीर में कुछ भी कष्ट है तो आप अपने एम पे फोकस नहीं कर सकते, आपके मन में चिंता बनी रहेगी कि यार मेरे साथ ये परेशानी तो मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। गौतम बुद्ध ने इस चीज पे आंसर दिया कि जो शरीर की बीमारी है वो आपकी एक एज के साथ आपके साथ आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको एक प्रकार से यही समझो कि ये तो आनी है, उसकी चिंता करने से कोई सलूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए शरीर की बीमारी का कष्ट अपने दिमाग तक मत पहुंचाओ, शरीर का कोई बीमारी है तो उसको इग्नोर करो और इलाज करते रहो, लेकिन अपने
अब उसके ऊपर चिंता करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब सिक्स्थ पॉइंट, उन्होंने ये बताया कि लोग चिंता में क्यों रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी इंसान को ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, अब वो 10 बजे पहुंचने के लिए 9:30 बजे उठा, वो हाफ एन आवर के स्पैम में इतना भागदौड़ कर लेता है, कोई प्लान नहीं होता कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और वो फॉर श्योर लेट होता ही होता है। अगर उसने एक दिन पहले ये प्लान बना लिया होता कि अगर मैं 9:15 बजे उठूं तो मैं ऐसे करके जाऊंगा, अगर मैं 9:30 उठूं तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, अगर मैं 9:45 उठूं तो मैं ऐसे जाऊंगा, तो अगर ये योजना, ये प्लानिंग उसने एक दिन पहले ही फिक्स कर ली होती तो उसके साथ परेशानी नहीं। जब भी कोई इंसान अपनी परीक्षा के लिए जाता है या उसको पता होता कि 1 साल बाद मेरी परीक्षा है, तो वो क्या करता है कि पहले 6 से 7 महीने अपना मस्त खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा, 8वें 9वें महीने में उसको लगेगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, 10वें और 11वें महीने में उसको लगता है कि भाई अब तो पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। जब एग्जाम सर पे आ जाते हैं और 4 दिन बचे होते हैं तो वो भागना स्टार्ट हो जाता है। उस केस में उसकी चिंता उसको इतना डिप्रेस कर देती है कि वो अपनी इस 4 दिन की पढ़ाई को कर ही नहीं पाता, तो वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में चिंता को हटाने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी चिंता चिता के समान ना बन जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अपने दिमाग में प्लानिंग हमेशा हर काम के लिए रखनी ही होगी, अदरवाइज आप किसी ना किसी चीज के लिए बहुत चिंतित रहेंगे। आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप हमेशा ऑफिस के लिए लेट होते हो या किसी भी काम के लिए लेट होते हो, एक दिन सुबह 5 बजे उठ के देखिए, आप सटीक सारे काम उस दिन का काम बहुत सही तरीके से करेंगे, क्योंकि आप सुबह 5 बजे उठ के अपना सारा काम टाइम से करेंगे और अपने पूरे डे की प्लानिंग भी कर लेंगे, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पहुँचना है, ऐसे काम करना है, और फॉर श्योर 1,00,000% मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन 5 बजे उठ के देखिए, आपका सारा काम शेड्यूल्ड टाइम में होगा, क्योंकि आप प्लानिंग करके निकल रहे होंगे। अब सेवेंथ पॉइंट, जो कि मुझे लगता है कि चिंता तो चलो एक अलग चीज है, आलस एक ऐसी चीज है जो कि चिंता तो करना लाजमी है ही, क्योंकि आलस इंसान का एक ऐसा पार्ट है जो कि उसको एकदम से तोड़ के रख देता है, क्योंकि कल करेंगे, परसों करेंगे, टालना हमेशा हर चीज को, तो उस केस में क्या होता है कि वो लाइफ को ना उस तरीके से प्लान कर लेता है कि नहीं आज अभी नहीं करते, कल करते, कल नहीं परसों करते। तो आलस इंसान को हमेशा डुबाता ही डुबाता है, और एक समय वो चिंता का रूप ले लेता है। तो ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो कि गौतम बुद्ध ने चिंता को लेकर के बताए गए। अगर आपने अपनी लाइफ में 7 पॉइंटों पर थोड़ा सा भी काम कर लिया, अगर आपने कुछ नहीं किया, काम भी नहीं किया, तो आपको सिंपल सा है कि इन 7 पॉइंटों पे पूरे दिन में एक बार थोड़ा सोचना है। अब ये सारी चीज तो बहुत लंबी हो गई, आपने मुझे बता दिया कि हाँ जी आपकी तो वीडियो ही बहुत लंबी हो गई, आपने वीडियो बना दी बड़ी लंबी, लेकिन इसका सलूशन तो बताया नहीं, क्योंकि 7 पॉइंट तो मैं ध्यान में रख नहीं सकता। तो अब यही सेम क्वेश्चन उस आदमी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, ये 7 पॉइंट मेरे दिमाग में हर समय नहीं चल पाएंगे और मैं इनके बारे में नहीं सोच सकता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा एक सोल्यूशन बताया जाए, क्योंकि ये बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि इसको कैसे इन चिंताओं से मुक्त किया जाए। आपने मुझे कारण बता दिए 7 कि हाँ इस वजह से चिंता होती है, लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन बताइए कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकूं। तो गौतम बुद्ध ने जो सोल्यूशन दिया वो आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए कि अगर आप खाना खा रहे हो ना शाम को, सुबह जब भी, तो उस खाने को पूरा एंजॉय करके खाओ। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से करो। खेल रहे हो तो पूरी शिद्दत से खेलो। टीवी देख रहे हो तो पूरी शिद्दत से देखो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से देखो। कहीं जा रहे हो तो पूरे दिमाग से, दिमाग एकदम सही वहीं होना चाहिए, और आप हर काम को पूरा एंजॉय करो। आपकी चिंता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और जो काम आप कर रहे हो उसमें आप नंबर 1 हो जाओगे। तो कहने का मतलब, कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि आप जिस भी काम को करो पूरा मन लगा के करो, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो दोस्तों, चिंता क्यों होती है और इसका सलूशन, इन दोनों पे आज आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको फॉर श्योर हर चीज की चिंता खत्म हो जाएगी। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
और आपसे अगर इस चैनल पे नए हैं तो दोबारा से बोलना चाहूंगा कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चिंताएं जो खाए जा रही हैं हमेशा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।